आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो गाइस जैसे कि आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा था, फिर हम सब गाड़ी में बैठने के बाद पिक्चर देखने निकल गए और पिक्चर एक नंबर की बढ़िया थी। मतलब मजा आ गया मुझे पिक्चर देखने के बाद। मैंने सोचा भीड़ हो रही है और यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो 60 रुपए का ही चल रहा है, 60 रुपए ही लेगा। अच्छा हाँ, या फिर हो सकता ले ही ना, क्योंकि नया नया खुला है, खुद से बुला रहा है तो भाई मेरे से क्यों लेगा पैसे। खुद से काम करवाने के लिए बुला रहा है, उद्घाटन कराने के लिए थोड़ी बुला रहा है। सुन तो मैं गया भाई वहाँ पे जाके, मुझसे बोलता है सर पानी लेंगे क्या लेंगे, मैला कुछ तुम्हें काटूंगा इसको, तुम्हें काटूंगा। कोल्ड ड्रिंक लेंगे सर आप, कोल्ड ड्रिंक कुछ मंगवा दूं आपके लिए। मैला नहीं नहीं कुछ नहीं। तो फिर कर दिया उसने सिस्टम सेट कर दिया सारा, फिर उसके बाद कहता है 150 रुपए हो गए सर। कहा था बाद में काटूंगा भाई, मुंह बन गया मैला बहन के लोड़े। इस चीज के 150 रुपए मांग रहे तू, इस चीज के दाढ़ी सेट करने के 150 रुपए। मैला भाई, फिर मैंने उसको बोला मैला भाई देख यहाँ पे जो रेट चल रहा है ना वो 60 रुपए चल रहा है, तू अगर ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है अपने लग्जरी सैलून के 80 रुपए ले ले, इससे ज्यादा 1 रुपए नहीं देगा कोई तेरे को। मैं जो की तांजलि का रेट 130 रुपए है वो 150 रुपए से ले रहा। अरे वो ओवर इसलिए हो गया, वो चाह रहा था 150 रुपए बोल करके। जब सर मेरे से पूछेंगे ना तूने किस चीज के पैसे जोड़े हैं, तो मैं सर को बताऊं सर मैं उस चीज के भी जोड़ रहा हूँ जो आपने इमेजिनरी खा लिया, कोल्ड ड्रिंक। अरे यार इधर खुली वो दुकान पहुंचा, मैंने चुपके से बाहर खड़ा होकर उनको फोन करा कि भाई वो लेके आओ। नहीं नहीं वो लेके आ जाओ, बाइक ली, बाइक की चाबी दी, राम मंगा रहा है और वो पैसे लेने जा रहे हैं। उनने बाइक ली, वो सीधा गया वो वाले ठेके पे, आपके घर के पास वाला पेट्रोल पंप के सामने वाले, सामने वाले वहाँ जो है, उनने वहाँ से चाबी लगाई लिया, वहाँ पी पा के चाबी लगाई और सीधे चल दिया घर पे। आता है वैसी गली के अंदर घुसते ही देखता है चाबी गायब, और चाबी के अंदर 3 गोदाम के ताले, वो चाबी नहीं थी वो बाइक की, एक पुरानी ना पुरानी चाबी लगा दी, पुरानी चाबी उछल जाती है। अब उनने लक्ष्मण को बोल के खत्म करो, बहनचो पूरी राम कथा सुना रहे हो। वो आया मैं सुनने से साले मजा आ रहा है। लक्ष्मण ने क्या करा आज बहनचो, मैं तो कुछ दिनों में अपने घर के नीचे बैठ जाऊंगा, वही तो मैं बता रहा हूँ, पैसा पैसा वहीं से कमाना शुरू करूंगा मैं। यार तेरे घर के नीचे तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, अगर तू खोल मतलब वैसा कुछ कर ले, खोलने क्या खोलने राखी का काम कर लेता बढ़िया रहता तेरा। राखी लाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए बहन, जो ये सब चीजों के लिए बोलता ना, इन सब चीजों के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है यार, राखी रखने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। तो मैं तो राखी लगा देता अपने घर के नीचे, राखी 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 राखी। कैश जो है, जो मेरी फ्रेंड है कैश, उसके पापा लगाते हैं क्या ऐसे ठेला नहीं लगाते, वो मतलब किसी की दुकान है उसके अंदर ना बढ़िया सा बनाते राखी का। तो मैंने उससे पूछा मैं कितना खर्चा निकल जाता है भाई, लिटरली मैं शॉक हो गया तो इतना उसने बताया मेरे को, कह रही 15 दिन में कम से कम 1 लाख मतलब 1 लाख से ऊपर की कमाई है। कह रही खरीद तो कुछ है नहीं, बहुत सस्ती आती है राखी, लेकिन बेच तो कितने की भी है। मुझे करवाना है, मुझे बोलना, मैं करूंगी सारे काम। उसने मेरे को मेरी गांठ फट गई, मैला कह रही मैं 2 दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी भी देती हूँ। मैं क्यों, मैं इतना ज्यादा जरूरी हो रहा है बहन, भाई रश हो जाता होगा ना। कह रही हाँ बहुत रश हो जाता है, पापा के लिए नहीं संभाल पाते। वो तो भाई सही है, अभी कौन सा त्योहार आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है, और अभी तो रुको दिवाली क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कंडील वंडील का बहन चो, कंडीला यार कंडील लगाने के लिए ना तेरे को मतलब खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा, बिजली का खर्चा एक तो। सबसे बढ़िया नीचे बैठ जाऊंगा बहन चो, आते जाते जाते दे के जा भोसड़ी के। नहीं तू खजूरी मत बैठी हो, तू थोड़ा महंगा वाला बनेगा ना, तो तेरे को मैं तू बैठू सिग्नेचर ब्रिज पे, ठीक है तू सिग्नेचर पे। अरे हम वो वाला काम करते हैं, राहुल बैठेगा खजूरी पे, राहुल बैठेगा खजूरी पे, तू बैठे सिग्नेचर ब्रिज पे। सुन दो हम वो वाला काम करते हैं, क्या नाम है ये जो है, जैसे ना सिग्नेचर ब्रिज पे एक कोने पे तू खड़ा हुई हो, बीच में मैं खड़ा हूंगा, तो वहां पे ना कील बिछा दी हो तू, राहुल पंचा लगाना सीख जाओ तुम बहुत कमाई होगी भाई, जो भी होगा रात का 50, तो 50, और 50. नहीं जैसे मेरे आगे आके गाड़ी आके रुकी, मैं आगे बोलूंगा, वो मुझसे पूछेगा भैया पंचर वाला कहां पे, मैंने ये खड़ा ना ये खड़ा, राहुल भाई आओ, फिर ऐसे अपनी टीम बना लेंगे पूरी, दोनों साइड खड़ी कर देंगे, फिर
तीन बंदे इधर तीन बंदे इधर। आइडिया बढ़िया वैसे तेरा ये, किसी का पता चल गया ना कील हमने डाली तो गांड भी हमारी तोड़ेगा तो कील भी हमारी गांड में डालेगा, वो गांड में पंचर कर देगा फिर काले लगवाते रहिए पंचर। फिलहाल तो ये बोल देंगे भाई एक बंदा हो रहा है हमारी टीम के अंदर वो पंचर लगाता था ना, अब ये सारी कीले तुम ही उसी के अंदर डालोगे तो राहुल का पंचर कौन लगाएगा, हमें तो पंचर लगाना भी नहीं आता। और राहुल का पंचर कैसे लगेगा भाई, राहुल कैसे लगाओगे पंचर राहुल कह रहा यार ये तो भैंसो बिजनेस लीक कर दिया इन्होंने, कि तो मैं प्लान बना रहा था कील खरीद ली थी, इतनी सारी कील इकट्ठी करी इतने दिनों में, घर में पड़े पड़े मौज चल रही है। राहुल भाई सुबह उठते हैं हगते मुते खाते हैं सो जाते हैं, सुबह वही अगले दिन वही रिपीट फिर वही रिपीट, कुछ नहीं होता राहुल भाई के नहीं होता तीनों का, मतलब हम तीनों का ही है, अनिकेत का तो बेंच ऑफिस तो जा रहा कम से कम, वो तो भाई ऑफिस जा रहा है वो भाई, वो कमाऊ बंदा है हमें भैंसो नल्ले ले कोई नल्ले। बोलते है फ्री है लौड़ा मेरा फ्री है भैंसो सोना है घर में पता नहीं कितने मिल जाए, अभी खाना इंतजार कर रहा है हमारा यार बड़ा। ट्रैफिक क्यों हो रहा है रोड पे है? ट्रैफिक क्यों हो रहा है इतना रोड पे, वहां सुधार रहे हैं, वहां सुधार रहे हैं, भैंसो दुड़ाना एक आधे को यहाँ पे, ओए चल रहे हो शीशा बंद है ना, गाली बकरा भाई ओए गाली बकरा ओए यूपी ओए गाली बकरा भाई, शीशा नीचे करके बोल रहा हूँ फैक्ट्री में काम करते मैं उसको नहीं छेड़ सकता भाई भैंसो इतनी इतनी बुरी शक्ल है तुम्हारी, मादर चोद उड़ा दे बहन के लोड़े धंधे चला ले इसे गाड़ी ने भाई, ब्रेक देखा उसने कितने धंधा मारा साले, लड़कियां देख रहा है लड़कियां देख रहा है साइडों में भाई, इधर लौंडे खड़े उनको नहीं देख रहा, लड़कियों को जान पूछ के बोले मैं तो देख ही नहीं यार, राहुल आदमी हो भाई तुम, मुझे लगता था कि तुम सीधे हो, सीधे ही है ये, सीधे ही है एकदम तुम्हारा सीधा हो जाता, लेकिन तुम सीधे नहीं हो, क्या कह रही है क्या कह रही है, मैं बोलते कुछ नहीं हो तुम यार, बुलाओ ना उसको ऐसे पूछ रहा था अंकल दारू पीनी होगी गाड़ी में तो कहाँ पे पी सकता था, क्या बोल सकते क्या मुझे मेरे लोड़े पे बैठ के पी ले दारू, वो राइट ले लियो आजकल सबके सब यार बहुत फेमस हो रहे हैं गाड़ी ले लेके यार, कम भी ले हमें है नहीं, हमारे पास वैगन आ रहा है बैंचो जी 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 वैगन आ रहा है पलटवा दे इसे ड्रिफ्ट लगवा दे इसकी राहुल को सुन एक काम करते हैं, ड्रिफ्ट ट्रिप लगवानी है ना तो बढ़िया तरीके एक बताऊं तेरे को, राहुल को बांध देते हैं गाड़ी में ऐसे रस्सी से यहाँ पे और नीचे लगा देंगे ईट ईटा समझ गया, ईटे से अपने आप चलेगी रेस वेस से ठीक है, फिर पलटवाएंगे गाड़ी को, फिर ये भी देख लेंगे ना कि राहुल बचता ही नहीं बचता राहुल बचता है नहीं बचता यार, ये पार्किंग तो यही है अभी, क्या बोल रहा है आओ भाई आओ आओ भाई आओ भाई भाई ब्लॉग में डालेगा ये भाई आओ भाई आओ ब्लॉग डाल आ जाओ जल्दी अंदर पकड़ के घसीट लो ना, अभी मैं सब जगह पूछता हुआ आ रहा था कि मान्यवर किधर है, बाइक सेफ है कि नहीं सेफ है, क्योंकि कह रहा है पर्ची दे दिया ना भाई, अब कौन सी बाइक है आपसे आपकी वाली भाई मेरी तो बाइक ही नहीं है ना, मतलब थोड़ी दूर ये आया था बाइक से, बाइक इसने बेच दी और ये मुझे छूट लेके जाएगा, अच्छा अच्छा ये क्या बात हो गई बाइक से आया था खत्म कर दिया अपना खत्म कर दिया, सबसे पहले अंदर घसीटा है मैंने तुम्हें, और बताओ अरे मिला लो भाई मुट्ठी वाले थोड़ा साफ तो करो पहले पहले से, यहाँ पे खड़े खड़े आप देखते ना अभी इसको ऐसे भीज दिया था पूरा, भीज दिया था खत्म कर दिया अंदर का मामला भाई, ये मार्केट भी मैं जैसे घुसा हूँ भाई, क्या संडे का हो रहा है सारी वीडियो डाले सारी भी डलेगी अभी, अरे यार बेंचो इस घर वाले भी देख लेते कई बार तो इसके चैनल सब्सक्राइब भाई, लाइक करे फॉलो करे शेयर करे और मुझे मीडिया में जल्दी पहुँचाए, मीडिया में मेरे को गाना गाना है, मैं बड़ा बनूंगा जैसे मैं आज गरीब हूँ वैसे मैं गरीब को चंदा करूंगा, उसका भी वीडियो बना के